नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पिछले 2 महीने से देश के अंदर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और बैंक कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं और इन लोगों को सम्मानित करने का काम कई सामाजिक संस्थाएँ, कई समाजसेवी लोग कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम कागदाना गांव के अंदर किया गया है। यहां पर कागदाना गांव के SBI बैंक है और वहां के जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, उनको यहां के काफ़ी समाजसेवी लोगों ने उनको सम्मान करने के लिए उनको सम्मानित किया गया है। तो कुछ समाजसेवी संस्था और समाजसेवी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके से हम बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह से, क्या ये मन में आया कि जिसकी वजह से ये इस तरह से इनको बैंक कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी वेद प्रकाश मोदी, समाज सेवी, गौशाला का प्रधान भी हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको यही अवगत कराना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी के अंदर 2 महीने के अंदर जो हमने बैंक कर्मचारियों की व्यवस्था देखी है और जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए और पूरा स्टाफ एक मन से पूरे सहयोग के साथ है, पब्लिक का सहयोग कर रहे हैं और हर एक को डिस्टेंस बना के उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से उनको अटेंड कर रहे हैं। और जैसे हमारे पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी है, डॉक्टर्स है और आंगनवाड़ी के वर्कर्स है, उनकी तो हमें जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पर बैंक जो स्टाफ, जो हमारा SBI बैंक कागदाना है, उनमें संदीप जी हमारे शाखा प्रबंधक है, विजय कुमार जी हैं, भूप जी है, यादव साहब है और सारा स्टाफ ही, जो कि एक अभूतपूर्व सहयोग जिस पब्लिक का कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं और इनका शुक्रगुजार करते हैं। आज क्या प्रोग्राम किया है यहाँ पर इसको लेकर? इसको लेकर के हम प्रोग्राम तो इनके लिए जितना भी कुछ किया जाए वो कम है, पर फिर भी हमने जो भी बन पाया इनको स्वागत के तौर पर हमने फूल भेंट किए सिर्फ, और इनकी जो कार्यशैली को देखते हुए हमने कुछ भी नहीं किया, पर हम इनका सम्मान करते हैं, इनका आदर करते हैं और इनसे यही आशा करते हैं कि ये पूरी अपनी ड्यूटी ना समझे, ड्यूटी को ड्यूटी तो समझते ही समझते हैं, उसके बाद जो इन्होंने कार्य किया है वो एक बहुत सराहनीय काम है। और इन्होंने किसी भी, चाहे कोई बुजुर्ग आ गया, चाहे कोई लेडीज आ गई, उसको उसके हिसाब से अटेंड करके उनकी डीलिंग की है और इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और एक अपील भी मैं करना चाहता हूँ आपकी, अपनी न्यूज़ के माध्यम से, कि जो भी अपने ये बीमारी, कोई ये नहीं है अभी कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे, इसकी कोई दवाई नहीं बनी है अभी, तो हमें पूरा सोचना चाहिए। सरकार हमारे लिए जो किया है वो एक सराहनीय कदम यही है कि उन्होंने हमें समझा दिया भी, हमें ये समझा दिया भी ये बीमारी और इससे बचना है अपने को, बचना कैसे है वो अपने को सोचना है भी, डिस्टेंस बना के और पूरी तरह से अपने को बचा सकते हैं। 2020 का जो ये वर्ष है इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए भी हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या नहीं, सिर्फ ये सोचना है अपने को भी अपनी ज़िंदगी सेफ रखनी है। इससे ज़्यादा सोचने वाला मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है इस टाइम। धन्यवाद। तो बिल्कुल, यहाँ पर जो बैंक कर्मी हैं उनकी कार्यशैली इतनी बेहतरीन रही है जिसकी बदौलत यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं इन्होंने इनको सम्मानित करने का एक फ़ैसला लिया गया था और बैंक के इस रूम के अंदर, यहाँ पर जो बैंक परिसर है वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ के बैंक के प्रबंधक हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस संबंध में? जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो अपनी न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। एवं मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कोरोना जो वैश्विक महामारी थी, इस दौरान लोगों ने हमें अभूतपूर्व सहयोग दिया है, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाई रखी एवं अपने कार्य के लिए जल्दी ना करते हुए आराम से अपनी बारी का बारी से ही काम करवाया है और किसी ने भी ज़्यादा हमें जल्दबाजी नहीं दिखाई, सब अपनी बारी से अपना काम करवाते रहे हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि लोग वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे एवं जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करेंगे ताकि हम अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से लोगों को मुहैया करवा पाएं। जी, आज आपका ये सम्मानित किया गया है, शायद यहाँ रूटीन में ऐसा नहीं होता है कि इतने बढ़िया आपने काम किया जिसकी बदौलत आपको यहाँ पर यह सम्मानित किया गया है, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों का ये बड़प्पन है जो इन्होंने हमें सम्मानित किया है। वैसे हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे
और कार्य के दौरान इनको हमारी कार्यशैली अच्छी लगी तो इन्होंने सम्मानित किया और मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे स्टाफ की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसे ही अपना कार्य करते रहेंगे और लोगों को सेवाएं देते रहेंगे। तो बिल्कुल ये सेवाएं यहाँ पर दे रहे थे और जिसकी बदौलत यहाँ के लोगों ने इनको सम्मानित किया है। तो मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि आपके नज़दीक अगर कहीं पर भी कोई और दूसरे स्टाफ के दूसरे विभाग के कोई कर्मचारी अधिकारी अगर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं तो इस तरह जैसे कागदाना गांव के लोगों ने समाजसेवियों ने जो हौसला बढ़ाने का काम ये किया है वैसा ही आप अपने क्षेत्र के अंदर भी ज़रूर करें। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।